आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे शायद ही पहले कभी आपने खाया होगा। वेलकम बैक टू रौनक रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन का करारा। बेसन करारा रेसिपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, साथ ही बेसन करारा रेसिपी कुछ बेसिक चीज़ों के साथ ही तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं बेसन करारा बनाने की विधि। बट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन करारा रेसिपी इन हिंदी। बेसन करारा रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक परात में एक बाउल बेसन लिया है और उसमें डाला है एक चम्मच अजवाइन, और साथ ही हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसकी गुठलियाँ तैयार करनी है, यानी इसके लम्स तैयार करने हैं। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करते हुए अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेना है, करीबन दो चम्मच के आसपास, और उसको हम बेसन के ऊपर से कुछ इस तरीके से छिड़केंगे और इसे अच्छे से बेसन की गुठलियाँ बनने तक इसे हम तैयार करेंगे। बेसन करारा के लिए जो गुठलियाँ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, करीबन 10 से 12 मिनट के आसपास टाइम लग जाता है। तो इसे हमें धीरे धीरे करके इसमें पानी की छींटे मारते जाना है और इस तरीके से हमें इसे अच्छे से इसकी गुठलियाँ तैयार कर लेनी है। यहाँ पे ध्यान ये चीज़ का ये दें, हमें पानी यहाँ पे एकदम ज़्यादा नहीं मिलाना है। पानी अगर हम ज़्यादा मिलाएंगे तो हमारी गुठलियाँ बन नहीं पाएंगी, साथ ही हमारा बेसन जो है आपस में अच्छे से चिपकने लग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाते जाएं और इस तरीके से इसकी बेसन की गुठलियों को अच्छे से तैयार कर लें। तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है, एकदम ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएं और आराम से इसकी गुठलियाँ तैयार करते जाएं। तो मैंने यहाँ पे इसकी गुठलियों को तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो मोटी मोटी गुठलियाँ उनको इस तरीके से हम अलग कर लेंगे और जो बाकी बचा हुआ बेसन है इससे भी हम अच्छे से इसकी गुठलियों को हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप भी बेसन करारा के लिए गुठलियों को आराम से तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार में ना कर पाएँ तो इसे दो से तीन बार इसे ट्राई करें। दो से तीन बार अगर इसे ट्राई करेंगे तो इस तरीके से आपके भी अच्छे से बेसन की गुठलियाँ तैयार हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे बेसन की जो गुठलियाँ उनको तैयार कर ली है। तो चलिए जानते हैं बाकी आइटम के बारे में। हमने जो बाकी आइटम यहाँ पे यूज किए हैं, हमने यहाँ पे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक लिया है जिसे हमने बारीक तरीके से काट लिया है, साथ ही लिया है 1/4 चम्मच हींग, इसे आप करारा की सब्जी में ज़रूर डालें, साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 1 प्याज जिसको कि हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं इसको भी हमने अच्छे से कद्दूकस करके इसकी प्योरी तैयार की है, साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं मसाले में हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे जो तीखा कम होता है साथ ही इसका कलर बहुत अच्छा आता है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, साथ ही लिया है 1/2 चम्मच के आसपास नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसन के जो गुठलियाँ हैं उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और गुठलियों को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपनी बेसन की गुठलियाँ। मैंने यहाँ पे सारी बेसन की गुठलियों को एक बार में ही डाल दिया है। अगर आपके पास बेसन की गुठलियाँ ज़्यादा हैं तो उसे 2 से 3 बार में डालें। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पर, जब तक हमारी बेसन की गुठलियाँ हल्की सुनहरी कलर की ना हो जाती हैं तब तक इसे हम पका लेंगे। तो बेसन की गुठलियों को मैंने हल्का सा सुनहरा कलर होने तक इसे पका लिया है। तो इसे एक प्लेट में अब निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सारी गुठलियों को निकाल के रख लेना है, और जो इसका जो बाकी बचा हुआ तेल है इसको हम छान के बाद में यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे बेसन की गुठलियों को अच्छे से फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन करारा रेसिपी। और बेसन करारा रेसिपी को बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, साथ इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और लहसुन और अदरक को करीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे प्याज की प्यूरी यानी प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक पकाना है। आप चाहें तो प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। तो हमें प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक पका लेना है। तो प्याज को मैंने यहाँ पे करीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। प्याज हमारा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे अपनी टमाटर की प्यूरी, साथ इसमें हम डालेंगे नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे करीबन 2 मिनट के लिए हम टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से पकने देंगे। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को करीबन 2 मिनट के लिए सेमी कुक कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपने मसाले, हल्दी पाउडर, साथ ही मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ साथ मिलाएंगे धनिया पाउडर, और साथ ही अब मिलाएंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा कम होता है, साथ ही इससे जो कलर आता है बहुत अच्छा आता है, तो इसे आप भी मिला सकते हैं। तो अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटर और प्याज के साथ। तो टमाटर और प्याज के साथ मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे मिला रहे हैं 2 चम्मच के आसपास पानी, और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम टमाटर और प्याज को की ग्रेवी को ढक के करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। ठीक 3 मिनट के आसपास हम इसका कवर हटाएंगे और इसे एक बार फिर से अच्छे से करेंगे मिक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ग्रेवी है परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। इसने साइड से ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे अपनी बेसन की गुठलियाँ, जिसको कि पहले हमने फ्राई करके रखा था। तो अब इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से मसालों के साथ इसे भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसन की गुठलियों को मसालों के साथ करीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अब यहाँ पे हमें डालना है करीबन 2 गिलास के आसपास पानी। पानी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि जैसे ही हमारा बेसन पकना स्टार्ट करेगा तो ये पानी को सोख लेता है। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए आपको पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे ग्रेवी में एक हाई हीट पे एक उबाल आने देंगे। तो उबाल आने के बाद से एक बार फिर से अच्छे से करेंगे मिक्स। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और हमारी जो ग्रेवी है जब तक थोड़ा सा थिक ना हो जाए, यानी थोड़ा सा मोटी सी नहीं दिखने लग जाए, तब तक हम अपनी ग्रेवी को पकाएंगे। तो ग्रेवी को मैंने यहाँ पे करीबन 7 से 8 मिनट के आसपास इसे पका लिया है। ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है, इससे ज़्यादा थिक हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला पाउडर मिलाने के बाद इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे 1 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे। तो गरम मसाला डालने के बाद मैंने यहाँ पे ग्रेवी को करीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद,
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी बेसन करारा रेसिपी बनके तैयार है, परफेक्ट तरीके से बनी है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा बेसन का करारा बनके तैयार है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप भी एक बार घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरा बेसन का करारा बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही फ्रेंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।